तो हम ये महसूस कर रहे हैं कल से उनकी हाजिरी का, और जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे परमात्मा की हाजिरी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, प्राण धाराएं और मजबूत होती जाएंगी और दृढ़ बनती जाएंगी। बस ये मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आज हमारा समर्पण दिन है। समर्पण यही भक्ति योग है, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिवोशन। पहले हमें डिटरमाइन करना है कि ये सात हस्ती ईश्वर, सात हस्तियों का नाम मैं पहले बता देता हूँ। ईश्वर, ईश्वर यानि लॉ ऑफ नेचर, ईश्वर यानि जैन परिभाषा में उसे धर्म तत्व कहते हैं, लॉ ऑफ नेचर को धर्म तत्व कहते हैं, कॉस्मिक ऑर्डर को धर्म तत्व कहते हैं। सेकेंड इज जीवित तीर्थंकर परमात्मा, अभी 20 तीर्थंकर परमात्मा विहरमान है महाविद्या क्षेत्र के अंदर, फिजिकल ज्योग्राफिकल लोकेशन में। लेकिन ये 20 तीर्थंकर परमात्मा से कोई भी एक तीर्थंकर परमात्मा के साथ आप लिंक लगाते हैं तो वो लिंक हमारे अंदर आती है, उनकी कृपा आती है। बस उनकी कृपा 2400 घंटों, ये ऐसा अस्तित्व है 20 के 20 तीर्थंकर परमात्मा जो लाइव होते हैं, 2400 घंटों उनके अंदर से तरंगे निकलती है, डिवाइन तरंग, कल्याण के तरंग, मंगल के तरंग सभी जीवों के लिए। अब इसे एक टीवी टावर जैसे होता है, वो अपने तरंग ब्रॉडकास्ट करता है, लेकिन वो तरंग रिसीव कौन करता है? जो चाहता है उसे रिसीव करने के लिए वो ही उस तरंग को रिसीव कर सकता है। तो ये मंत्र योग के माध्यम से हमें अपने आप को रिसीवर बनाना है, ट्यूनर बनाना है अरिहंत शक्ति का, जीवित तीर्थंकर परमात्मा की शक्ति तरंग को हमें रिसीवर बनना है। आप जैसे उनके बारे में ध्यान करोगे आंख बंद करके, या अभी दर्शन कर रहे हो आप सिमंदर स्वामी के अपनी आंखों से, तो अपने आंखों के माध्यम से उनके साथ आप लयलीन बन जाइए, एक रूप बने। जैसे जैसे आप उनके ऊपर फोकस करोगे, खुली आंख से भी कर सकते हो, बंद आंख से भी कर सकते हो, जिसको जो समझ में आए वो कर सकता है। बस एक बार दर्शन करके आंख बंद कर लो तो भी समझ में आ जाएगा, और ऐसी कनेक्टिविटी हमें क्रिएट करनी है। दिस इज ए मियर साइंस, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो तीर्थंकर परमात्मा अपने परमाणु तरंगे प्रसारण कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, वो तरंगे हम यहाँ पर बैठे, उनकी ये अतिशयोक्ति होती है, अतिशय कहते हैं उसे शास्त्र में, उसे अतिशय 34 अतिशय बताया, उसमें से एक अतिशय ऐसा है कि जो भी उनका स्मरण करता है, नाम स्मरण करता है, उनको याद करता है, उनसे कृपा मांगता है, उसे कृपा अवश्य मिलती है। बस इस आधार पर हम प्रभु कृपा और पंच परमेष्ठी नमस्कार महामंत्र के माध्यम से इनकी कृपा हमें हर घंटे स्वीकारनी है। जितने जितने हम ऐसे कार्य करना शुरू कर देंगे उनकी कृपा स्वीकार, और कृपा स्वीकार कर मेरे हित में जो है बस ऐसी कृपा कीजिए। आपको आपका दिमाग नहीं वापरना है, क्योंकि आपका दिमाग कर्म सत्ता से भरा हुआ है, करप्टेड है, क्योंकि पूर्व संस्कार आपने कहीं क्या किया है क्या नहीं किया है उसका आपको पता नहीं है, इसलिए उस चेतना को ब्लॉक कर देना है, उस एनर्जी को ब्लॉक करना है, भूतकाल के सर्व कर्म को ब्लॉक करना है, इसे संवर कहते हैं। और जब हम समर्पित हो जाते हैं, कंप्लीट समर्पित हो जाते हैं, फिर अनब्लॉक करके वो सारे कर्म सत्ता को निर्जरित कर देना है, खत्म कर देना है, ये प्रोसेस है। और ये पर्युषण महापर्व के अंदर इस प्रकार हम अपना समर्पण कर सकते हैं, और जैसे जैसे समर्पण करेंगे वैसे वैसे हम अपने अंदर उनके प्रति जो शक्तियाँ, उनमें से जो शक्तियाँ आती है हमारे अंदर,
ट्रांसफर होती है. इट इज सिमिलर लाइक अ टीवी एंड अ टीवी टावर. टीवी टावर ब्रॉडकास्ट करता है चैनल और हमारा टीवी है वो हजारों चैनल से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो हम सिलेक्ट करते हैं वो ही फ्रीक्वेंसी, वो ही तरंग अंदर आती है और वो ही स्क्रीन पे आती है. इसी प्रकार हमें इन सात हस्ती, ईश्वर तत्व, जीवित तीर्थंकर परमात्मा, केवली भगवंत, सिद्ध परमात्मा, साधु भगवंत, माता पिता, गुरुजन, सद्गुरु भगवंत और सर्व जीव अजीव, इसके अंदर सारी सृष्टि आ जाती है. ये सात हमेशा हम पर कृपा ही करते हैं, हमेशा तथास्तु मोड में ही रहते हैं. और चूक का होती है, हमें इस ज्ञान का पता नहीं था इस पर्युषण महापर्व के माध्यम से. आज आपको ये ज्ञान मिल रहा है, ये समझ मिल रही है. ये छोटे से समय में आपको बहुत बड़ा विज्ञान मिल रहा है. आपको दिलचस्पी हो तो फिर उसके ऊपर कैसे उसकी तैयारी की जाए वो आपको परम सुख जीवन विकास केंद्र के अंदर जुड़कर, परमानंद परिवार है उसमें जुड़कर, इसकी सारी जो शिविर है, प्रक्रिया है, बहुत सारा कुछ है, तो उसमें आप जुड़कर ऐसी टेक्निक्स सीख सकते हैं और हमारे जीवन का हर कार्य, एनी डैम कार्य, हमारे व्यवहारिक जीवन का, नौकरी चाकरी, काम धंधे, व्यवहार संबंध वगैरह, और आंतरिक जीवन के अंदर आत्मविकास, ये दोनों आंतरिक मार्ग और व्यवहार मार्ग दोनों के अंदर ये साइंस हमें उपयुक्त बनता है. इसलिए महामंत्र, नमोकार मंत्र को महामंत्र इसलिए कहा है कि इसके अंदर हम नमन नमो भाव से, नमोकार मंत्र से, नमोकार बार बार, नमोकार, नमो नमो नमोकार, नमो के अंदर नमन, शरण, समर्पण और आत्मसमर्पण, चार स्टेजेस है. नमन यानि रिस्पेक्ट, शरण यानि गुण प्रमोदना, यानि कि सपोज आप डॉक्टर के पास जाते हैं और ये नमो भाव से जाते हैं. नमो के अंदर चार स्टेजेस हमने बताया आपको, तो आपको अगर फर्स्ट स्टेज का उस डॉक्टर के प्रति रिस्पेक्ट है, उसीलिए तो आप उस डॉक्टर के पास जाएंगे, तो उसे रिस्पेक्ट कहते हैं. सो इट इज़ फर्स्ट लेवल नमो. सेकेंड लेवल नमो इज दैट यू डोंट ओनली रिस्पेक्ट, यू हैव रिगार्ड्स फॉर दैट डॉक्टर. आपको उनके प्रति बहुत अहोभाव है. सो दैट इज अ सेकेंड स्टेज ऑफ नमो. इसी प्रकार हमें जिसके बारे में रिस्पेक्ट होता है, हाई रिगार्ड्स होता है, उनके अंदर से उनके जो गुण है वो हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं. दिस इज साइंस. आप जिसके बारे में, सामने कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी परिस्थिति हो, और यहाँ तो पंच परमेष्ठी है और सात हस्तियाँ हैं. इस सात परम उपकारी हस्ती को जो समर्पित होता है नमो भाव से, फर्स्ट इज रिस्पेक्ट, सेकेंड इज हाई रिगार्ड्स, और थर्ड इज समर्पण यानि डेडिकेशन. समर्पण यानि डेडिकेशन. अब खाली रिगार्ड्स नहीं है, अब डॉक्टर के पास आप गए तो वो जो शक बोल रहे हैं वैसा आप कर रहे हैं, उसको समर्पण कहते हैं. तो जब हम ऐसी हस्ती के संपर्क में आते हैं और इस नमो भाव से जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं जिनके भी साथ, तो उनकी शक्तियाँ हमारे अंदर ट्रांसफर होती है. इसे कहते हैं शक्तिपात. शक्तिपात कैन हैपन बाय टू प्रोसेस. एक है गुरु कृपा से होती है, जो बाहर का माध्यम हम पर कृपा करता है और हमें कुछ शक्ति देते हैं, ये सद्गुरु कृपा से होता हो सकता है. और दूसरी कृपा है मंत्र कृपा और या प्रभु कृपा. प्रभु कृपा और प्रभु कृपा ज्ञानात्मक है और मंत्र कृपा मंत्रात्मक है. ये थ्री रिसोर्सेज है जिससे हमें हायर एनर्जीज एंड हायर लेवल्स ऑफ स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की जो शक्तियाँ हैं वो हमें, उनकी शक्ति
ये तीन माध्यम से हमें मिलती है। प्रभु कृपा करके हम बालक के जैसे उन्हें बातचीत करनी है उनके साथ रोज, और रोज नहीं लेकिन बल्कि मैं तो कहता हूं हर घंटे सिर्फ 2 या 3 मिनट लगेगी। यस, ये मंत्र स्मरण हो या प्रभु कृपा हो, हर घंटे अगर हम करते हैं तो वो हमें सुरक्षित करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। अभी जो हमने शुरुआत आज के सत्र की आत्मरक्षा मंत्र, ये एक शास्त्रीय रक्षा मंत्र है और शास्त्र के माध्यम से हमने ये प्रक्रिया की, लेकिन डे टू डे लाइफ के अंदर हमें सेम प्रोसेस करना है। इट इज़ वेरी शॉर्ट, इट डजंट टेक मच टाइम एंड यू गेट इमेंस एंड इमेंस ऑफ एनर्जी। एंड जब आपको ऐसी डिवाइन शक्तियाँ मिलती हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हर लेवल पे बढ़ता है और आप जो चाहते हो वो पा सकते हो। यस, ओनली थिंग इज दैट आप कुछ गलत चाहोगे तो आपको नहीं मिलेगा। ये डिवाइन एनर्जीज है, गलत रास्ते पर आपको उपयोग तो नहीं होता है। तंत्र मंत्र जो करते हैं मेली विद्या, उसमें वो सब हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रभु कृपा और नमोकार मंत्र या गायत्री मंत्र, ये ऐसे मंत्र हैं जो जिसका नाम स्मरण करने से उनकी एनर्जी हमारे अंदर ट्रांसफर होती है। कंडीशन इतनी है हमारे अंदर उनके लिए रिस्पेक्ट हो, नमो भाव का फर्स्ट लेवल, हमारे अंदर उनके लिए अहोभाव हो कि ये हमारा मंगल करेंगे करेंगे करेंगे, ये सेकेंड लेवल है। थर्ड भाव हो कि हम अभी वो जो इसे बताते हैं वैसे हम सब कुछ करेंगे, इसे समर्पण भाव कहते हैं। एंड फोर्थ लेवल इस आत्मसमर्पण, यानी हमारा पूरा अस्तित्व हमेशा के लिए हम जिसे सौंप देते हैं इसे आत्मसमर्पण कहते हैं, विदाउट हैविंग एनी आयोटा ऑफ डाउट्स, ये आत्मसमर्पण है। बस ये पांच लेवल, ये चार लेवल का समर्पण है। जो ऐसा करता है वो प्रभु कृपा से ज्ञान मार्ग से शक्ति पाता है। नमस्कार महामंत्र मंत्र योग से अपनी मंत्र मार्ग से उनको कृपा मिलती है इन पांचों परमेष्ठियों के से। और तीसरा है सद्गुरु का मार्ग, जो सद्गुरु जैसे जैसे अपने शिष्य के अंदर पात्रता देखते हैं वैसे वैसे वो अपनी शक्ति देते हैं। सो ये जीरो में से अनंत बनाने की शक्ति है। यू हैव नथिंग टुडे बट यू कैन मेक एनी थिंग, एनी डैम थिंग, जस्ट बाय अट्रैक्टिंग ऑल द एटम्स फ्रॉम दिस यूनिवर्स, कॉस्मोस। ये कॉस्मोस है, ये पूरा भरा हुआ है, अदृश्य है। हमारे ये पांच सेंसेस उसे नहीं देख सकते हैं, इसलिए हमारे लिए अदृश्य है, लेकिन जो हमारे लिए दृश्यमान है दैट इज हार्डली 0.5%, 99.5% इज अदृश्य। और ये मात्र और मात्र, एंड देयर इज एबंडेंस ऑफ एवरी डैम थिंग इन दिस वर्ल्ड, यहां कोई भी शॉर्टेज नहीं है अदृश्य जगत के अंदर। हम सब कुछ अट्रैक्ट करके अपने तरफ लाकर अपना मंगल कर सकते हैं। बस ये दो माध्यम है, मात्र मंगलकारी माध्यम है, मंगल करने के लिए माध्यम है। हमारा हित क्या है, बस हमें उनके पास ये चाहिए वो चाहिए, वो मुझे मेरा काम हो जाए, ये ऐसी भीख नहीं मांगनी है। हमें मात्र उनके पास रिक्वेस्ट डालनी है कि हे प्रभु मेरे हित में जो हो, मुझे मेरा हित नहीं पता, मेरे हित में जो हो मैं आपको अपने चरणों में समर्पित करता हूँ, बस कृपा करो मेरा हित हो और मैं मुझे परम हित परम मुक्त बनना है। रोज रोज की झंझट मारी, ये भीख मंगा गिरी ये सब नहीं करना है, वैसे ही मैं परेशान हूँ और ये कर्म के सत्ता के अंदर पीस रहा हूँ अपने आप को, और पुण्य कभी निकल जाएगा बैंक बैलेंस का पता नहीं है, जब तक है तब तक ये मनुष्य जीवन है, बस इसमें मुझे जो करना है कर लेना है। तो इस पर्युषण के माध्यम से दूसरा पराक्रम, जो मैंने कल पहला पराक्रम बोला, सबके साथ नमोभाव, सबके साथ अहोभाव, हर व्यक्ति हर वस्तु हर परिस्थिति हर जीव हर परमाणु को नमोभाव अहोभाव। और आज मैंने वो पूर्व भूमिका है, मंत्र के अंदर जाने के लिए नमोभाव अहोभाव नहीं होगा
तो प्रभु कृपा भी सफल नहीं होगी, मंत्र कृपा भी सफल नहीं होगी। तो बेसिक फंडामेंटल्स, पहला पराक्रम कल आपको हमने बताया, जिसके अंदर आपको तैयार होना है नमोभाव अहोभाव से। और सेकेंड लेवल पे हमें आज प्रभु कृपा हर घंटे करनी है, स्वीकारनी है। हर घंटे हमें नाम स्मरण करना है या मंत्र जाप करना है। और इसके अंदर भीख नहीं मांगनी, ये मैं आपको चेतावनी देता हूँ, ये मेरा काम हो जाए, वो मेरा काम हो जाए, कुछ नहीं। हमें सिर्फ अपने आप को, उनको सब पता है, ये ऐसी अनंत अनंत हस्ती है, कल्याणकारी मंगलकारी हस्ती है, हमें सिर्फ अपना कल्याण और मंगल मांगना है बस, कि मेरा हित हो, जिस प्रकार भी मेरा हित हो, और वैसा रास्ता मेरे जीवन में खुलता जाए, ऐसी कृपा करो। और हर घंटे मांगते रहो, कनेक्ट रहो उनके साथ, 2400 घंटों कनेक्टेड रहो, देखिए आपका जीवन इतना जबरदस्त बन जाएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, चेतावनी ये देता हूँ, ये करना शुरू करोगे तो आपके जीवन में उपलब्धियाँ बढ़ना शुरू हो जाएगी। उपलब्धियाँ जब बढ़ना शुरू होती है ना, तो आदमी अपना हापा खो बैठता है, अपने आप को बस में नहीं रखता है, क्योंकि पुण्य हो गया, ज़्यादा ज़्यादा हो गया तो नाचने लगता है। वार्निंग देता हूँ, जब आप संभाल पाओगे नहीं, ऐसी कभी कोई हरकत ना करें, हमेशा इनके समर्पण में रहना है। अगर आप डिविएट हो गए तो फिर ये भी नहीं बचा पाएंगे आपको, ये चेतावनी है। दिस इज साइंस, ये किसी की मन घड़त बातें नहीं है, मैं अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं करता हूँ। आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस प्रोसेसेस, एनी बडी कैन कम। ये परम सुख जीवन विकास केंद्र है, परमानंद परिवार है, दो माध्यम है, दो पिलर्स हैं यहाँ पर, साइंटिफिक बेस पर। जीवित तीर्थंकर परमात्मा सिमंदर स्वामी, निमित नंबर 1 एंड निमित नंबर 2, नमस्कार महामंत्र योग, बस ये दो आ गए जीवन में, सारा मंगल कल्याण हमारा निश्चित है। और ये याद रखना है कि हमें इस भ्रव भ्रमण से मुक्त होना है। अल्टीमेट गोल इज टू गेट एलिवेटेड फ्रॉम ऑल दिस चक्रव्यूह। ये बार बार दुखी होना और बार बार मंत्र के पास जाना, प्रभु के पास जाना, ये क्यों भीख मंगा करना है हमेशा के लिए? कल इंडिपेंडेंस डे था, स्वतंत्रता दिन था, बस तो शुरुआत बहुत अद्भुत हुई है। पर्यूषण है मात्र स्वतंत्रता के लिए, मुक्ति के लिए, सिर्फ टेम्पररी मुक्ति नहीं, परम मुक्ति हमेशा के लिए, अनंत बनने के लिए। हम मनुष्य है, हमारे पास अनंत शक्ति भरी पड़ी है। वी आर नॉट एक्सप्लोरिंग ऑन दीज फैकल्टीज विद इन अस, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन अवर सेल्स एंड एक्सप्लोर दिस पॉसिबिलिटी टू रीच इन्फिनिटी। वी आर क्रिएटेड फॉर इन्फिनिटी, वी शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट अवर सेल्स कि मेरा एक बंगला हो जाए, मेरा ये घर हो जाए, मेरी ये मानता पूरी हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा ये। ये भीखमंगा गिरी बंद करें। ये पर्यूषण महापर्व ही बना गया इसलिए है, संत महात्माओं ने, भद्रभाव स्वामी ने ये आयोजन किया है। भगवान महावीर के जाने के बाद ऐसा अद्भुत पर्यूषण का आयोजन हुआ है। इतनी महामारी में भी आपको ऐसा पर्यूषण मिल रहा है, ये आपका सद्भाग्य है। महावीर बनना हो तो बोलो वीर वीर वीर, महावीर बनना हो तो बोलो वीर वीर वीर, वीर वीर महावीर वीर वीर, वीर 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 महावीर वीर वीर, वीर 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 महावीर वीर वीर, महावीर वीर वीर महावीर वीर वीर, वीर 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 महावीर वीर वीर, महावीर वीर वीर महावीर वीर वीर, वीर बोले वीर बोले वीर वीर वीर, वीर 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 बोले वीर वीर वीर, वीर बोले महावीर बोले वीर वीर वीर, वीर बोले महावीर बोले वीर वीर, महावीर वीर वीर, वीर 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 महावीर।
वीर 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 महावीर वीर वीर महावीर वीर वीर महावीर वीर 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 महावीर वीर वीर महावीर वीर वीर महावीर वीर अरिहंत 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 अरिहंत